अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। और मैंने बनाया था मैक्रोनी पास्ता और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डाला था मेयोनीज़। और सभी बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट चीज़ें हैं मैक्रोनी पास्ता, नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, चिली पोटैटो, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं। और दोपहर में बनाया था मैंने चिकन बिरयानी, और ये कई दिन पहले का मैंने ब्लॉग डाला है। और उस बीच मेरा बेटा अपनी नानी के यहाँ पर भी चला गया था, और वैसे भी वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है और काफ़ी सारी शादियाँ हैं हमारे यहाँ पर, तो इसलिए मैं आई थी कॉस्मेटिक लेने। कुछ मुझे मेकअप प्रोडक्ट चाहिए थे काफ़ी सारे, कुछ ज्वेलरी भी मुझे लेनी थी। और ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट शॉप है, अगर आपको चाहिए तो मैं इसका नंबर भी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर रीज़नेबल प्राइस में कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। और ये भैया भी काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे से आपको सारा सामान और भी ज़्यादा अच्छे प्राइस पे लगा कर देते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं काफ़ी अच्छा। तो मैं वहीं से ये ज़्यादातर सामान मैं वहीं से लाई हूँ। एक दो प्रोडक्ट हैं मेरे जो और कहीं से मैंने बाई किए हैं, घर से या फिर कहीं और से, एक दो चीज़ें हैं, बाकी और सारी चीज़ें मैंने वहीं से शॉप से बाई की हैं। ये इत्र था माई चॉइस, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, और मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ करती हूँ। और अब तो ये मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था स्पेशली, उनको भी इतना ज़्यादा ये पसंद आने लगा है तो उन्होंने मंगवाया था, तो उनके लिए मैं लेकर आई थी। और एक ये था बॉडी स्प्रे वीजोन का, और इसके बाद में ये एंटी एजिंग क्रीम थी, एक नरिश रिपेयर बीवेल की सेल रिन्यू क्रीम थी मॉइस्चराइजर, और काफ़ी अच्छा इसका फ्रेग्रेंस थी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। और ये एंटी एजिंग क्रीम मंगवाई थी मैंने एक नाइट क्रीम, और ये भी काफ़ी अच्छी है। और ये मैंने एक प्राइमर भी वहीं से बाय किया था, और ये था हिलरी उडा का, और काफ़ी अच्छा पावर ऑफ ब्लर प्राइमर था ये। और एक ये था ऑल डे लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर था, काफ़ी अच्छा था ये भी। और उसके बाद में लैक्मे एब्सोल्यूट का ये हाइलाइटर था। और उसके बाद एक चीज़ ये थी, लेंस लिए थे मैंने पहली बार, फर्स्ट टाइम मैंने लेंसेज लिए हैं। और एक ये वेट वाइप्स थे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी है ये चीज़, तो किट में ज़रूर होनी चाहिए, मेकअप किट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दो कॉम्पैक्ट लिए थे मैंने लैक्मी एब्सोल्यूट का, एक लैक्मी 9 to 5, तो दो मैंने कॉम्पैक्ट भी बाय किए हैं। और ये कुछ सामान है अभी, बाकी और भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं मेकअप से रिलेटेड, और लेंस थे इसमें ग्रे, डार्क ग्रे कलर के लेंस थे। और ये चीज़ें हो चुकी हैं ऑलमोस्ट पूरी, और ये इसमें भी मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें वहीं की हैं जिस शॉप को मैंने आपको दिखाया था। और ये एब्सोल्यूट का ब्लश ऑन है। उसके बाद में ये मैंने वहीं से ब्यूटी ब्लेंडर लिए थे, 2 पीस थे, और इसके साथ बॉक्स भी उन्होंने मुझे दिया था। और उसके बाद में ये रोज़ा का एक एस्ट्रीजेंट था, हर्बल एस्ट्रीजेंट, और ये 2 लैशेस लिए थे मैंने। लैशेस ये मैं जब घर गई थी तो मैं वहाँ से लेकर आई थी इन लैशेस को। और उसके बाद एक कॉम्पैक्ट और था मेबेलिन का, ये भी मैंने वहीं से लिया था, ये देखें। और सिंगल एक उसमें कॉम्पैक्ट था और एक पफ थी इसमें स्पॉन्ज, और ये लैशेस वाली ग्लू भी ली थी। और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा इसका बॉक्स था कॉम्पैक्ट का, और ये एक कॉम्ब थी हेयर स्टाइल के लिए, मैं अपनी किट में रखती हूँ। बैंड्स थे, क्लचर्स थे, और काफ़ी क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से थे। इनको मैंने अलग से एक बॉक्स में करके रखा था ताकि मुझे इजीली मिल जाएंगे और मिक्स ना हो बाकी सारे सामान के साथ। और ये मेरे पास एक पफ मेकर था, और फ्रंट पफ इससे काफ़ी अच्छा बनता है और इजीली बन जाता है। और ये छोटे छोटे से क्लेचर हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, और मेरे पास 2-3 एक्स्ट्रा मैं रखती हूँ।
मुझे छोटे छोटे क्यूट सी हेयर पिंस थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, तो इसलिए मैंने ये भी बाय कर ली थी और सिर्फ ये ही उनके पास बची थी और ये स्विस ब्यूटी का एक बॉक्स था जो ये भी भैया ने मुझे एक एक्स्ट्रा दिया था बॉक्स, क्योंकि इसमें दो लिप लाइनर बचे हुए थे, लिप लाइनर का बॉक्स था एक्चुअली ये, और ये एक स्पार्कल थी आई शेडो, ये देखें, और ये मैंने कुछ लिपस्टिक्स ली हैं और किसी ने मुझसे मंगवाई भी हैं, कुछ लिपस्टिक उनकी भी हैं इसमें, कुछ मेरी भी हैं, और ये आईब्रो पेंसिल है ये देखें, और ये काफ़ी अच्छी आईब्रो पेंसिल है, बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट आता है इससे आईब्रो पर, और ये हुडा ब्यूटी की एक लिपस्टिक है, और ये स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर हैं, दो मेरे पास पहले के रखे हुए थे, दो मैं अभी लेकर आई हूँ, और एक ये आई लाइनर है आई शेड की तरह भी आप इसे अप्लाई करते हैं, मल्टीपर्पज़ आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और एक आईलाइनर भी मैंने लिया था, और ज़्यादातर ये लिक्विड लिपस्टिक्स थी सारी, बुलेट वाली नहीं थी, और ये देखिए एक क्यूट सी छोटी छोटी सी लिपस्टिक थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और उनके कलर शेड भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे, सभी के कलर शेड डिफरेंट थे, ये देखें एक लिक्विड लिपस्टिक थी इसमें शिमर वाली, और एक ब्राउन आईब्रो पेंसिल ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी इसमें, और इनमें एक छोटू सी मैंने तस्वीर ली थी जो कि उंगली में पहनकर उसको आप क्लिक करते रहते हैं तो वो वहाँ पर काउंट करता रहता है, उसके अंदर नंबर चलते रहते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी मैंने एक छोटी सी तस्वीर बाय की थी पर्पल कलर की, ये देखें, और पहले भी थी मेरे पास बट वो ख़राब हो गई थी, इसके अंदर सेल होते हैं तो वो वीक हो गए थे, कुछ हुआ था तो वो ख़राब हो गई थी, इस तरह से काउंट करते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, कोई भी आप अगर काम कर रहे हैं तभी भी पढ़ते रह सकते हैं, और उसके बाद में मैं जो कुछ ज्वेलरी लेकर आई थी वहाँ से, ये देखें कुछ इयररिंग्स मैंने लिए थे, और एक ये पूरा मैंने सेट लिया था, चोकर सेट टाइप था, और ये काफ़ी प्यारे वहाँ पर इयररिंग्स मिलते हैं, सेट्स वगैरह काफ़ी अच्छे रिजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, कुछ लोग मेरे आसपास से जो भी वीडियो देखते हैं वो यहाँ से आसानी से इजीली बाय कर सकते हैं, देखें काफ़ी प्यारी वैरायटी थी वहाँ पर, आप इजीली कोई भी सेट ले सकते हैं, और हर तरह के वहाँ पर सेट्स अवेलेबल थे, और काफ़ी प्यारे इयररिंग्स थे, ये देखें कितने क्यूट से इयररिंग्स हैं, और ये वेट भी इनमें ज़्यादा नहीं है, लाइट वेट में है ये देखें काफ़ी सुंदर वाले टाइप के हैं, और ये देखें ये भी झुमके टाइप हैं, थोड़ा डिफरेंट इसका डिज़ाइन है, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, ये ग्रीन है, ग्रीन ज़्यादातर हर सूट पे चला जाता है, ये देखें, और एक इसके अंदर एक साइड वाला झूमर था, पासा भी जिसे बोलते हैं, तो ये भी इसके अंदर निकला था, एक टीका था बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा, ये देखें काफ़ी अच्छा टीका था, आप चाहें तो आप बिना चोकर के सेट के भी इसके पहन सकते हैं, खाली इयररिंग्स पासा और टीके को कैरी कर सकते हैं, और ये देखें कितने खूबसूरत से ये इयररिंग्स थे और लाइट वेटेड थे, और इसके साथ ये आसानी से जाएगा, और ये मैंने घर से ही बाय किया था जब मैं एक बार आप ज्वेलरी शॉप की वीडियो मैंने बनाई थी एक बार ब्लॉग में डाला था जहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी ज्वेलरी मिल रही थी, तो मैंने वहीं से बाय किया था, और ये काफ़ी छोटा छोटा सा इस पर लिखा हुआ था, कोई सूरत यहाँ पर लिखी हुई थी बट नहीं मुझे समझ आ रहा था कौन सी सूरत यहाँ पर लिखी हुई है, और ये मेरे हस्बैंड को पसंद आया था तो मैंने उनके लिए ये बाय किया था, एक रिंग थी ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, और ये दोनों चीज़ें मैंने उनके लिए ख़रीदी थी, और मेरा सेट मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था चोकर सेट, और ये मैं टोरिंग भी लेकर आई थी, और दो पीस थे इसमें, मुझे फोर पीस नहीं मिले, टू पेयर नहीं मिले थे इसमें मुझे, और ये
देखें, ये मेरी ज्वेलरी हो गई है जो कि मैंने रिसेंटली ली है। मेरे पास काफ़ी सारी ज्वेलरी पहले भी रखी हुई है, बट मैंने अभी थोड़ा सा चोकर वाला एक तो सेट में मुझे लेना था तो वो मैंने बाय किया है। और ये देखें काफ़ी सारा सामान जो था वीडियो बनाने के चक्कर में, ये देखें किस कितना मैस क्रिएट हो जाता है। और कई बार में मैं ये सामान लेकर आई हूँ, एक आध बार में मैं नहीं लेकर आई हूँ, कई बारी में मैं गई हूँ, तब मैंने कई चीज़ें ऑर्डर भी की थी, तब फिर ये सारा सामान आया है और एक साथ फिर मैंने वीडियो बनाई है सभी चीज़ों की। और जितना टाइम वीडियो को बनाने के लिए मैं ये सब चीज़ें निकाल के बाहर रखती हूँ, उससे डबल टाइम मुझे इसे समेटने में लग जाता है। ये देखें आप सभी चीज़ों को, जितनी भी ज्वेलरी है उस सबको मैंने एक साइड पर करके रखना है बहुत ही ज़्यादा सेफली, क्योंकि ज्वेलरी का सबसे ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगी भी आती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं उनकी केयर करती हूँ, ज्वेलरी मेकअप अपना बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ रखती हूँ। ये देखें और सभी सामान को मुझे सेपरेट करना था और अपनी अपनी जगह पर रखना था। हेयर पिंस को सभी को मैंने एक जगह रखा है और मेकअप का जितना भी सामान था वो सभी को मैंने एक तरफ रखा है, मेकअप प्रोडक्ट्स को। ये देखें अब मैंने कुछ ज्वेलरी के बॉक्सेस निकाल लिए हैं और उनमें मैं सेट करने लगी हूँ। और एक ही मेरा मेकअप का अलग से ये मेरा बॉक्स है जो मैं सिर्फ पार्लर में कोई ब्राइडल वगैरह रेडी होने के लिए आती है तो उनके लिए ही मैं यूज़ करती हूँ। तो वो किड में मैंने कोई दो तीन चीज़ें उसमें भी मुझे ऐड करनी थी तो उसके लिए भी मैं लेकर आई थी कुछ चीज़ें, प्राइमर वगैरह, क्योंकि प्राइमर बिल्कुल फिनिश हो चुका था तो प्राइमर भी मैंने उस किट में डाल के रखा था। और मेरी भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ये ट्रांसपेरेंट वाली एक छोटी सी किट है इसके अंदर मैंने रखी है काफ़ी सारी चीज़ें। और मेरा बेटा नानी के यहाँ पर गया हुआ था जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो वो अपनी नानी के यहाँ गया हुआ था, उसको 4 से 5 दिन हो चुके थे गए हुए। और इस बीच में मैंने अपना सारा ये जितना भी ऐसा काम था वेडिंग सीजन से रिलेटेड कोई भी छोटी छोटी चीज़ें थी वो सब मैंने कलेक्ट कर ली थी। और मेरे जो सूट्स वगैरह थे वो भी स्टिच होने थे तो वो भी मैंने सी कर रख लिए थे और उनको भी उसके आने से पहले रेडी कर लिया था मैंने। सूट की लेसिस वगैरह जो भी कुछ चाहिए था मैंने सब कुछ कंप्लीट वर्क करके रख दिया है। सारी चीज़ें मैंने डन कर दी हैं और अभी मुझे फ़िलहाल कोई टेंशन नहीं होगा और अब मैं अपने बेटे को टाइम दे सकती हूँ, तो इसलिए मैंने उसके आने से पहले ये सभी चीज़ें सेट कर दी हैं और ये ज्वेलरी बॉक्सेस मैंने रेडी कर दी हैं और इनको मैंने सेपरेट करके रखा है। शॉपिंग मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सूट भी मैंने स्टिच किया था उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और मेरा बेटा आ चुका था तो उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और मेरा बेटा भी आ चुका है अभी तो, बट मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, थोड़ा सा काम ज़्यादा था और उसके साथ मुझे थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करना था, बहुत ज़्यादा उसकी याद आ रही थी तो अभी फ़िलहाल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो डालूंगी नेक्स्ट। तो अगर आज की आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। Wham! Do 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 do